Awakening with Brahma Kumaris. Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, Sister Shivani. Om Shanti. Welcome to Being Bliss. Thank you so much. आपने पिछली बार कहा था कि कम से कम हम लोग एक छोटी सी प्रैक्टिस करें कि तब जब भी गुस्सा आए या कोई इरिटेशन आए तो हम कुछ बोले ना, एटलीस्ट सुपरफिशियल आउटर लेवल से शुरू करें, ABCD से कम वहां तो रोक लें। आपने यही कहा था ना, उससे मिलता जुलता कुछ मैं पढ़ के सुनाऊं आप। 10% ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इज ड्यू टू डिफरेंस इन ओपिनियन एंड 90% इज ड्यू टू रॉन्ग टोन ऑफ वॉइस। रेज योर वर्ड्स नॉट योर वॉइस। इट इज रेन दैट ग्रोज फ्लावर्स नॉट थंडर्स। आप एक एक बात जो पता नहीं कहाँ से ढूंढ कर लाते हैं, ऐसा लगता है कि सारी जो हम बातें कर रहे हैं वही बातें आपको और मिलती जा रही हैं, ताकि जो बात हम कर रहे हैं एंड इट्स ऑन आवर माइंड आल्सो। हाँ, जो जो मैं खोजता रहता हूँ ना वो अपने आप फिर कहीं ना कहीं से मिल जाती है। बट वो आपने होमवर्क ट्राई किया? हाँ किया, लेकिन मैं फेल हो गया। आप फेल हो गए? एवरी टाइम? बिल्कुल फेल होगा। एवरी टाइम फेल? नहीं, बस देखिए क्या है ना, इरिटेशन हुआ, मैं रोका तो अंदर ही जलता रहा एक एक दो दो घंटा, उस पॉइंट को नहीं बोला। लेकिन उससे क्या होने लगा, चेहरे से दिखता था, लोग पूछते थे और एक्सप्रेशन चेंज हो जाता था, लेकिन अंदर दबे हुए हैं। और मैंने कहीं सुना भी था कि डॉक्टर्स कहते हैं कि उसको दबा के मत रखना। चलिए उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये कुछ जरा डिफिकल्ट है। राइट नाउ, एंगर एक बार जो क्रिएट हो गया तो उसको दबा के रखना डिफिकल्ट है, और एक्चुअली उस टाइम हम अवेयर भी नहीं होते। अगर उतनी अवेयरनेस होती कि ये अभी क्रिएट हुआ है लेकिन इसको बाहर नहीं निकालना है, उतनी अवेयरनेस नहीं है, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ वेरी ऑटोमेटेड वे। जब हमें यही अवेयरनेस नहीं थी कि हम अपने थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, तो हमने कहा वो थॉट्स अपने आप आ रहे हैं। अगर अवेयरनेस होती कि हमने क्रिएट किया फिर हमने बोला, तो देन दे विल हैव टू बी अ लिटिल पॉज कि मैंने क्रिएट किया फिर मैंने बोला। वी आर वर्किंग टूवर्ड्स फिनिशिंग द क्रिएशन ऑफ एंगर, और एक नई क्रिएशन करनी है कि मेरी सोच ही एक अलग तरह की क्रिएट हो, फिर मुझे ध्यान नहीं रखना पड़ेगा कि क्या सोचा, वो बोलना है, कैसे करना है। लेकिन ये एकदम से नहीं हो जाएगा, है ना, ये एकदम से नहीं होगा। मैं बीच में डिस्टर्ब करूं? एक चीज हुई, बोलने के बाद याद आया कि यार मुझे ये तो होमवर्क था, मुझे बोलना नहीं था। बट दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। सी, अगर पहले क्या था, लेट्स गो फ्यू डेज बैक और सम टाइम बैक, जब हम लिए था क्यों नहीं बोलूं, अच्छा हुआ ना, दैट इज ऐसे करेगा तो क्यों नहीं करेंगे हम, दैट इज इट एंड आई एम राइट। एंड उसको सिखाएंगे कैसे, करेगा कैसे बंदा, फिर ठीक कैसे होगा। परिवर्तन है, परिवर्तन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये आज सोचा, आज समझ में आ गया, कल हो गया। व्हेन वी से अवेयरनेस, हमें परिवर्तन का भी अवेयरनेस होना चाहिए कि अवेयरनेस की चेंज कैसे आएगा, बिकॉज उसकी भी एक इक्वेशन है। पहले रिएक्ट किया तो उसको जस्टिफाई किया, कोई भी रिएक्शन, नॉट ओनली एंगर, कोई भी रिएक्शन, क्रिटिसाइज किया उसको जस्टिफाई किया हमने, हम हर्ट हुए उसको जस्टिफाई किया। मेरे साथी भी जस्टिफाई करते थे। हाँ, सभी जस्टिफाई करते थे। यार जो हम नहीं बोल सके तो बोल दिया, वेरी गुड, राइट, सो जस्टिफाई। बहुत हिम्मत है आप में। आपको किसी ने कुछ कहा, आपको बुरा लग रहा है, आपने कहा नेचुरली बुरा लगेगा, हमारे आसपास भी सारे लोग कहेंगे नेचुरली बुरा लगेगा, तो हम सब ने उसको जस्टिफाई किया। एंड जब हमने उसको जस्टिफाई किया मतलब हमने अपने आप को कहा यू वर राइट, He was wrong. And always we would find something, जो stimulus था, हम react कर रहे थे, and every time the equation was, I am right, they are wrong. जब तक ये पहली line नहीं टूटी justification की, तब तक तो journey of transformation start ही नहीं होनी। And we have spent major part of our life only justifying our reactions. And हमारे आसपास के लोग उसको
एंडोर्स भी कर देते हैं, ठप्पा लगा उसको देते, स्टैंप लगा देते हैं, और हम जाते भी ऐसे ही लोगों के पास है, यू नो, हम जब उदास हैं, परेशान हैं, गुस्सा है, हम अपनी बात शेयर करने भी ऐसे ही लोगों के पास जाएंगे जो कहेंगे यस यस यू आर राइट, आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग लाइक दैट, इट इज़ नेचुरल टू फील लाइक दिस एट दिस टाइम. तो फिर वो हमारे रिएक्शन और भी ज़्यादा रीइन्फोर्स हो गया कि आई वॉज राइट. जितना वो रीइन्फोर्स होता गया, जस्टिफाई होता गया, उतना वो स्ट्रांग बनता गया एंड उतना वो मेरा जीवन जीने का तरीका बनता गया. सिस्टर एक बात पूछनी थी आपसे. एक बार मैं एयरपोर्ट पे देखा कि एक बहुत बड़ा आदमी, यू नो, उससे बहुत आर्ग्यू कर रहा था, जो एंट्रेंस पे पुलिस जो होती है, और वो भी अड़ गया पुलिस वाला उससे, मतलब 100th होगा, मतलब उसकी 100 रुपये तनख्वाह तो उसकी 1 लाख होगी. वो अड़ गया पुलिस, यू कांट डू दिस, दिस दैट दैट. बाद में उसकी वाइफ भी थी, हम भी थे, और अचानक 10-15 मिनट के बाद ये सारे के सारे VIP लाउंज में मिले मुझे. अब उसकी वाइफ बार बार मुझे बोले, यू नो दैट मैन, कैसी बदतमीजी से बात कर रहा था साहब से. तो वो मैंने कहा, वो आदमी कर रहा था मैम, लेकिन आपके साहब ज़्यादा बदतमीजी से कर रहे थे, क्योंकि वो कह रहा था कि आप मुझे अपने टिकट दिखाइए, कागज़ दिखाइए, आइडेंटिटी दिखाइए. उन्होंने फिर अड़ गए कि मैं, मेरी आप आइडेंटिटी पूछने वाले कौन हैं. मैंने कहा वो तो अपनी ड्यूटी कर रहा था. एंड उस औरत को इतना बुरा लगा. एंड ये जो बात आप कह रही थी कि जस्टिफिकेशन और स्टैंप की, इसके लिए हम कितनी मेहनत करते हैं कि मेरे, हाँ सुरेश भी बोले कि ऑफकोर्स ऑफकोर्स, ऐसे कैसे बोल सकता है, आप इतने बड़े आदमी हो. यहाँ तक कि आप सिर्फ ये नहीं बोलो, आप ये भी बोलो, देखो मेरे को भी तो सब जानते, मेरे से भी मांग लिया. मतलब तो रीइन्फोर्स कर दिया कि वो जो सामने वाला है वो तो बिल्कुल ही गलत. यही मेहनत जो आपने कल हमको होमवर्क दिया था परसों लास्ट एपिसोड में, इससे मेहनत हम यहाँ क्यों नहीं लगा सकते, एनर्जी तो उतनी लगी. नहीं, लेकिन डायनामिक्स बिल्कुल ऑपोजिट है ना. जब हम जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो रॉन्ग है, हम राइट थे, तो जस्टिफिकेशन का रिजल्ट क्या है? आई एम राइट, सो आई डोंट हैव टू चेंज. तो मेहनत नहीं करनी ना मुझे, चेंज होने की मेहनत नहीं करनी, क्योंकि मैं राइट था. पुलिसमैन ने ठीक से बात नहीं की, उसको बात करने का तरीका नहीं आता. आई विल इवन कंप्लेन टू हिज हायर अथॉरिटी, इज दिस द वे ही बिहेव्स, आई विल गेट हिम ट्रांसफर्ड, आई विल गेट हिम सैक्ड. माइंड कैन गो इन एनी डायरेक्शन. तो जस्टिफिकेशन जब हुई, एंड ये सारा दिन हो रही है, हमारे पास इतने लोग जो आते हैं मिलने अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम लेके, कहेंगे माय मदर इन लॉ इज लाइक दिस, माय हस्बैंड इज लाइक दिस, माय सन इज लाइक दिस. अब काउंसलिंग मींस हमें उनको बताना है कि आपको क्या करना है इसमें, यू नो, व्हाट डू यू हैव टू डू सो दैट योर सिचुएशन बिकम्स मोर फेवरेबल. बिकॉज़ दैट वो आई हैव गिवन अस कि उसको बताओ, उसको बताओ. आई सेड वो तो आए नहीं ना, अब आप आके बोलो माय मदर इन लॉ इज लाइक दिस, माय मदर इन लॉ, दे जस्ट वांट कि वो आए. We should listen to them. कि my mother-in-law is like this, mother-in-law is like this, and we say, poor you, आपकी mother-in-law ऐसी है ना, क्या करे, लेकिन आपको रहना तो पड़ेगा उनके साथ, अब आप रहो. Then they'll say, अच्छा आप बताओ सिर्फ हम कैसे adjust करें उनके साथ. And then अगर हम उनको कहें, but आपकी mother-in-law right है जो वो कर रही है, उनके दृष्टिकोण से तो वो बिल्कुल सही है, they don't like us. They say, this is not what we came to you for. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जस्टिफिकेशन हर एक ढूंढ रहा है, और जब तक जस्टिफिकेशन, तब तक द जर्नी डज नॉट बिगिन. मैं भी ऐसे ही डॉक्टर ढूंढता था. हाँ, सिगरेट इज बैड फॉर हाई ब्लड प्रेशर एंड हार्ट, अल्कोहल से कुछ नहीं होता. क्यों नहीं होता? नहीं, अभी तक रिसर्च नहीं हुआ. हम तो दूसरा बोलता था, बाबा रिसर्च हो चुकी है, अल्कोहल से भी फिब्रिलेशन हो सकता है, ज़्यादा लोग वीकेंड्स में जाते हैं, पार्टीज करते हैं, तो एट्रियल फिब्रिलेशन होता है, हार्ट का पूरा बीट चेंज हो जाती है. तो नहीं नहीं नहीं, अभी तक रिसर्च नहीं हुआ. दिस इज इट, जस्टिफिकेशन. सो फर्स्ट स्टेप जो आपने कहा ना, फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी हैबिट का, किसी भी रिएक्शन का, किसी भी संस्कार का, इज स्टॉप जस्टिफिकेशन. स्टॉप सेइंग I was right, the other person was wrong. चाहे कुछ भी हुआ हो, अगेन हम जस्टिफिकेशन या राइट एंड रॉन्ग बात का नहीं देख रहे हैं, हम राइट एंड रॉन्ग अपने रिएक्शन का चेक कर रहे हैं. हियर इट हैज़ टू बी वेरी क्लियर, किसी ने अगर मेरे साथ कुछ बहुत गलत, मेरे लिए गलत किया,
वो राइट है या रॉन्ग है जो उन्होंने किया इज नॉट द इशू. मेरा जो रिएक्शन है वो राइट है या रॉन्ग है, दैट इज़ माई फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. जब तक हम अपने रिएक्शन को राइट कहते जाएंगे, एनी नेगेटिव रिएक्शन, एंड नेगेटिव मीन्स जो मेरे लिए अनकम्फर्टेबल है, जो मुझे परेशान उदास करता है, जो मेरे मन को ड्रेन करता है, एनर्जी कम करता है, जो मेरे शरीर पर इफेक्ट लाता है, जो मेरे रिश्तों में उलझने पैदा करता है, एनी सच रिएक्शन, छोटा सा छोटा भी, ये मेरे लिए राइट नहीं है. आई हैव टू स्टार्ट सेइंग दैट. एंड इवन जैसे आपने कहा ना अल्कोहल या सिगरेट, उसमें भी हम कहते हैं थोड़ा लिया तो, एक लिया तो. अब थोड़ा भी लिया लेकिन जो चीज़ हानिकारक है, जो चीज़ डैमेजिंग है, जो कोई बेनिफिट क्रिएट कर ही नहीं सकती है, मतलब चोरी की, हाँ, थोड़ी की या बड़ी की चोरी, तो जो चीज़ है ही डैमेजिंग, ये भी नहीं कि वो न्यूट्रल है, कि बेनिफिट नहीं क्रिएट करती, न्यूट्रल है अगर थोड़ा लिया. एक बूंद भी जिस चीज़ का लिया वो कुछ ना कुछ नुकसान ही अगर करके जाएगा तो उसके लिए जस्टिफिकेशन अब नहीं. इसी तरह एक भी तामसिक टॉक्सिक थॉट, चाहे मैं 5 मिनट के लिए उदास हुई, आई हैव टू टेल माई सेल्फ आफ्टर दोज 5 मिनट्स, दिस वॉज नॉट राइट फॉर मी. देन आई हैव स्टार्टेड मूविंग. अगर मैंने कहा तो पहले तो 1 घंटा गुस्सा आता था ना, अभी 10 मिनट ही आया, सो दैट वॉज फाइन. नो, इवन दैट आई हैव टू टेल माई सेल्फ, बट दैट वॉज नॉट फाइन. हाँ, कम हुआ, बट दैट इज स्टिल नॉट फाइन. नो, इट्स लाइक सेइंग 10 सिगरेट लेते थे, अभी 5 ही लिया ना, सो दैट्स ओके. नो, दैट्स ऑल्सो नॉट ओके. हमारा लक्ष्य, हमारा गोल होना चाहिए, गोल बहुत क्लियर होना चाहिए. और जब तक गोल पर नहीं पहुंच रहे हैं, अपने किसी भी अनकंफर्टेबल रिएक्शन को कभी भी, लेट्स अंडरलाइन दिस, कभी भी किसी भी अनकंफर्टेबल रिएक्शन को राइट नहीं कहना है. राइट कहते ही वो संस्कार और स्ट्रांग हो जाता है, जो ऑलरेडी काफी स्ट्रांग है. वी आर मूविंग टुवर्ड्स इरेजिंग इट, डोंट एंडोर्स इट. Ever, ever. अपना भी नहीं, किसी और का भी नहीं. अगर समझो किसी को कैंसर हो जाए और बोले ठीक है, इट्स राइट, वहां नहीं बोलते, तो इस बात को हम उतना सीरियसली क्यों नहीं लेते कि ये कैंसर है, ये भी एक डिजीज है, एक बीमारी है. फाइनली कैंसर भी तो क्रिएट करेगा. हाँ, ये ही फाइनली. आज मेडिकल साइंस हमें बता रही है कि हमारी मेजॉरिटी बीमारियां इन इमोशनल ब्लॉकेजेस से ही तो क्रिएट हुई है. किसी के अंदर दबाने की आदत है, किसी के अंदर कंट्रोल करने की आदत है, किसी के अंदर गुस्सा करने का लॉन्ग टर्म, जब वो संस्कार रहा, रिपीटेड फ्रीक्वेंट पैटर्न रहा, तब एक इमोशनल ब्लॉकेज, फाइनली शरीर के अंदर एक एनर्जी ब्लॉकेज, फाइनली एक बीमारी. फिर हम बीमारी को ठीक करते हैं, जैसे आपने कहा कैंसर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, जॉइंट पेन्स, हार्ट प्रॉब्लम. हम उन बीमारियों को ठीक करने में कितनी मेहनत करते हैं? अगर इस बीमारी को, जो आप कह रही हैं आज से हम गुस्सा नहीं करेंगे, एटलीस्ट सुपरफिशियल बाहर के लेवल पे देख लेते हैं, अगर ये मेरी ठीक नहीं हुई, एक दिन, दो दिन, 10 दिन, 15 दिन, साल, 2 साल, तो क्या ये मुझे दुख नहीं देगा? क्या इससे मुझे कैंसर नहीं होगा? क्या इस पेन से मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा? तो फिर कौन सा पेन बढ़िया है? See. अगर नहीं दिया, मतलब गुस्सा सप्रेस किया, तो मुझे पेन नहीं होगा. नहीं, ये जब बीमारी में मुझसे मेरा एंगर अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, चाहते हुए भी कोशिश कर रहा हूँ, फिर मैं गलती कर जाता हूँ, फिर मैं गलती करता हूँ. और वन थिंग यू अंडरलाइन, अगर आपने कोशिश करनी शुरू कर दी, वो कम होना शुरू हो गया है. एंड दिस इज फॉर एनीबडी एंड एवरीबडी. Are you sure? 110%. Wherever attention goes, energy flows, things happen. Wherever attention goes, tension goes. Tension goes away. Yes, absolutely. You know, energy, your thought process has to flow on that thing. And flow, ab ye, pehle humne kaha, gussa jayaz hai. Ab humne kaha, mujhe isko khatam karna hai. Sister. लोग बोलते हैं मुझसे सिगरेट नहीं छूटती, लोग बोलते हैं मेरा नेचर नहीं बदलता, लोग बोलते हैं कि मैं एक मिनट, जिनसे सिगरेट छूटती नहीं है ना, वो एक्चुअली छोड़ना नहीं चाहते. और जो गुस्सा नहीं छूटता है, नेचर नहीं बदलता, वो भी नहीं बदलना चाहता है क्या? नहीं, वो जब तक जस्टिफाई करेगा, तो फिर आप कह रहे हैं कि नहीं, ये चीज मेरी राइट है. इट्स लाइक सेइंग स्मोकिंग छोड़ना है
एंड जब परिस्थिति आए तो यू से स्मोकिंग इज माई मेडिसिन. इट्स दैट एक्सट्रीम. यू आर सेइंग स्मोकिंग ही मुझे रिलैक्स करती है इस टाइम पे, मेरे पास और कोई सोल्यूशन नहीं है. एक तरफ से लॉजिकली बोलते हैं उसको खत्म करना है. जब डॉक्टर के सामने बैठे हैं तो कहेंगे यस यस आई हैव टू फिनिश इट. और जब सिचुएशन आई तो कहे दिस इज माई रिलैक्सेंट. परेशान हूँ घर में, इतनी टेंशन है, झगड़ा हो गया. इफ आई डोंट हैव माय ड्रिंक आई वोंट बी एबल टू स्लीप. दिस इज माय मेडिसिन. तो पॉइजन को फिर परिस्थिति आने पर अगर मेडिसिन कह देंगे तो जस्टिफिकेशन हो गया ना. हाउ विल इट एवर गो. इट विल नेवर गो. कोई भी संस्कार नहीं बदलेगा कोई भी चेंज लाने में, चाहे वो बाहर की आदत है या अंदर की कोई आदत है. तीन चीजें पता होनी चाहिए. Why to change? अल्कोहल छोड़ना है. Why? सिगरेट छोड़नी है. Why? रिएक्शन नेगेटिव अपना छोड़ना है. Why? पहले तो सारे Why ढूंढ लो उसके. Why to change? Second, how to change? क्या करना है? जैसे हम इस सीरीज में देख रहे हैं, धीरे धीरे और गहराई में देखेंगे क्या क्या करना है ताकि हमारे वो संस्कार बदल जाए. लोगों को लगता है कि हाउ टू चेंज का आंसर सबसे डिफिकल्ट है. ये नहीं पता, ये तो बहुत ईजी है. हाउ टू चेंज बहुत ईजी है. वाई टू चेंज भी बहुत ईजी है. वाई चेंज हमारे पास इतना सब नॉलेज है अभी कि वाई आई नीड टू चेंज दिस. हाउ टू चेंज भी बहुत नॉलेज अवेलेबल है. हाउ टू चेंज. थर्ड क्वेश्चन, वॉन्ट टू चेंज. वॉन्ट वाली बड़ी प्रॉब्लम. वॉन्ट टू चेंज ये सबसे पावरफुल लाइन है. डू आई वॉन्ट टू चेंज? अनलेस आई वॉन्ट टू चेंज, ऑल द वाई टू चेंज एंड हाउ टू चेंज डजंट वर्क. जब मैंने अपनी पहली फिल्म की थी लंदन में एक बार फिर, तो एक मेरे फ्रेंड से मैं बात कर रहा था अबाउट अल्कोहल. यार हम लोग फिल्म इंडस्ट्री में आके दिन में नींद नहीं मिलती है, कभी रात की शूटिंग कभी दिन की, तो मैं ड्रिंक ले लेता हूँ. तो वो मुझसे कहने लगा यार, फिर दो तीन दिन बाद नेक्स्ट मीटिंग में कहने लगा, यू नो यू स्टार्ट ग्रोइंग ओल्ड सुरेश, तुम्हारा जो प्रोफेशन है उसमें यूथ चाहिए, यंग दिखोगे, आपको तो छोड़ देनी चाहिए. तो मैंने कहा अरे खुशी से जिएंगे हम, बुढ़े का रोल कर लेंगे, बाप का रोल कर लेंगे, दादा का रोल कर लेंगे, मैं दारू क्यों छोड़ूं, मैं तो मस्त लाइफ जीऊं. यू नो वांट वाली जो बात है, want to change. एक तरफ तो हाँ हाँ हाँ, लेकिन जब उसका सवाल मुझसे पूछा गया तो इमिजिएटली बोला नहीं नहीं नहीं, मैं अगर मैं बूढ़ा लगूंगा तो बूढ़े का रोल करूंगा. सो यू वॉन्ट टू चेंज. तो जब तक आप वॉन्ट टू चेंज नहीं क्रिएट करते हैं, लेट्स नॉट स्पेंड टाइम एंड एनर्जी ऑन द वाई टू चेंज एंड द हाउ टू चेंज. टाइम वेस्ट. वेस्ट बिकॉज वो होगा नहीं बिकॉज द वॉन्ट इज नॉट देयर. कोई भी चीज के लिए वॉन्ट चाहिए. आई वॉन्ट टू चेंज दिस. तो वो क्रिएट करने के लिए फर्स्ट स्टेप जो हमने देखा, जस्टिफिकेशन. रिएक्ट किया, एक्सेप्ट कर ले, नो प्रॉब्लम. आई गॉट हर्ट, आई गॉट अपसेट, आई गॉट एंग्री, आई मेड अ मिस्टेक. Just let's come up to this one step. Every time, आज सारा दिन में अगर हम react कर गए, सिर्फ first equation को solve करे, I accept. Saying this to myself only. ये किसी और के लिए नहीं है, अपने आप के लिए. I accept this was my mistake. I want to change this संस्कार. तो पहले justification खत्म. Second step. कि ठीक है, मैंने accept तो कर लिया कि हाँ मैंने गुस्सा किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये मेरे गुस्से का कारण कौन था? तो मैनी ऑफ अस विल से हाँ मुझे गुस्सा करना नहीं चाहिए था, लेकिन उन्होंने बात बहुत गलत की, उनको बोलना नहीं चाहिए था इस तरह से. हाँ, कई बार समझाया से मत करो, फिर भी कर, अच्छा नहीं लगता, फिर भी किया. तो मेरा रिएक्शन गलत था, आई एक्सेप्ट मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, लेकिन दिलाया उन्होंने, मतलब जस्टिफिकेशन खत्म की, फर्स्ट स्टेप पर आए, लेकिन पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली कि वो गुस्सा मेरी क्रिएशन था. ब्लेम कर दिया मेरा रिएक्शन. मैं बीमार हुआ, लेकिन मैं बीमार इसलिए हुआ क्योंकि मौसम खराब है. नॉट सेइंग मैं बीमार हुआ क्योंकि मैं कमजोर हूँ. हाँ, कितने लोग मेरे एनआरआईज फ्रेंड्स आते हैं अमेरिका से, लंदन से, ऑल दैट. ये सड़क के ऊपर जो बॉम्बे में चौपाटी पे सारा गंद मिलता है, जंक फूड खूब खा जाते हैं, बोलते यार इंडिया का पानी खराब है, बीमार हो गया मैं. सो वी नीड टू गो स्टेप वाइज. पहले हम जस्टिफाई करते थे कि गुस्सा ही सही है, अब हम वो लाइन पर पहुंच गए कि नहीं ये मेरे लिए नुकसान करता है, तो ये मेरा गलत था. लेकिन सेकंड स्टेप अब और भी इम्पोर्टेंट,
कि ये गुस्सा या जो भी रिएक्शन ये मेरी क्रिएशन है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ एनीबडी एल्स. लेट एनीथिंग हैपन इन द वर्ल्ड एंड एनीथिंग मीन्स एनीथिंग, नॉट स्मॉल थिंग्स, एनीथिंग, तो भी मेरा रिएक्शन मेरी क्रिएशन है. डिफिकल्ट है ये रियलिटी है. ये डिफिकल्ट या इजी का इसमें डिफिकल्ट हम तब कह सकते हैं कि चेंज कैसे लाना है, तब हम फिर भी बोल सकते हैं कि डिफिकल्ट है. दैट्स ओके बिकॉज तब कुछ करना है. बट रियलिटी क्या है? रियलिटी है कि क्रिएशन तो मेरी है. मेरी इतनी अच्छी कांच की बॉटल तोड़ दी इसने, मेरा इतनी अच्छी नई गाड़ी का एक्सीडेंट ड्राइवर ने मार दिया. नो दैट्स ओके. तो मुझे गुस्सा आया. गुस्सा आया इज आल्सो ओके. गुस्सा आया इज आल्सो फाइन. इम्पोर्टेंट इज गुस्सा नॉट गुड. सो जस्टिफिकेशन फिनिश्ड. और दूसरा, ये गुस्सा मैंने क्रिएट किया. ये दो लाइन हो गई ना, तो तीसरी वाली फिर इजी हो जाएगी. क्रिएट किया वाली लाइन थोड़ी सी मुश्किल लग रही है सिस्टर. इसको सारा दिन में चेक करना है. जिस दिन आपका मूड अच्छा, चलो आप भी वही, ड्राइवर भी वही, जो उसने किसी को जाके नई गाड़ी ठोक दी वो भी वही, लेट्स से. लेकिन आज आपका मूड बहुत अच्छा है क्योंकि अभी अभी आपको कोई बहुत अच्छी गुड न्यूज मिली है. मतलब यू आर रियली 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 हैप्पी. एंड उस समय ड्राइवर ने वो गाड़ी कहीं ठोक दी, तो आपका जो रिएक्शन होगा वो डिफरेंट होगा. मानता हूं. आप बोलेंगे उसको एक बार, फिर बोलेंगे चलना छोड़, मूड बहुत बढ़िया, चलो चलते. आप भी वही, ड्राइवर भी वही, गलती भी वही, लेकिन स्थिति बहुत अच्छी है इस समय. स्थिति, मन बहुत खुश है इस समय, तो वो खुशी में रिएक्शन चेंज हो गया ना. ये भी आपने ही क्रिएट किया. अब ऐसे ही किसी और समय पर फिर ड्राइवर भी वही, आप भी वही, गलती भी वही, गलती शायद कम भी हो, कम भी हो, मूड अच्छा नहीं हो, बड़ा रिएक्शन हो गया. और एक परिस्थिति, ड्राइवर भी वही, आप भी वही, गलती भी वही, लेकिन आज आप अपने ऊपर अवेयरनेस से हैं, तो आप कहते हैं कोई बात नहीं, हो गया ना, नेक्स्ट टाइम गाड़ी ध्यान से चलाना. ये भी आपकी क्रिएशन है. ये नहीं कि ड्राइवर ने कुछ कर दिया, क्योंकि ड्राइवर वही, गलती भी वही, लेकिन आज आपका रिस्पॉन्स अलग. तो कैसे हुआ? हर बार जब हम प्यार से बात करते हैं वो भी हमारी क्रिएशन है. हम फॉरगिव कर देते हैं वो भी हमारी क्रिएशन है. हम कंपैशनेट होकर पूरी बात को भूल ही जाते हैं कम्प्लीटली, वो भी हमारी क्रिएशन है. हम इरिटेट हो जाते हैं, चिढ़कर गलत बात बोल देते हैं, वो भी हमारी क्रिएशन है. सिचुएशंस वही है. लेट्स जस्ट टेक दीज टू स्टेप्स फर्स्ट. Justification for the reaction, that is finished. And second, personal responsibility, blame finished. ये दो चीजें करनी आज सारा दिन में बस. अभी चेंज नहीं करना. Justification. अभी चेंज भी नहीं करना. करो गुस्सा आज सारा दिन में जितनी बार करना है करो. मतलब जो आ रहा है उसको आने दो, कोई बात नहीं. सिर्फ जैसे आपने कहा ना, आने के बाद भी जो checking है, ये one, this was not right in any situation. Let's first see this. Not that छोटी छोटी बातों में this was not right, और कोई थोड़ी बड़ी बात आ गई यहाँ तो गुस्सा आना ही चाहिए था. नहीं, this was not right anywhere, every time, never right. ये important. तभी justification finish होगा. कभी right कभी wrong तो नहीं finish होगा. आज सब ठीक है तो सिगरेट नहीं पीऊँ, लेकिन आज तो बहुत tension है तब पी लिया, not working. Justification never. And second, ये जो मैंने अभी अभी क्रिएट किया, बात चाहे कुछ भी थी, ये क्रिएशन कम्प्लीटली मेरी थी, कम्प्लीटली. उसमें भी ऑलवेज एंड 100% पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तब जो तीसरा स्टेप है चेंज करने का, बहुत ईजी होने वाला है. दिस इज हाउ वी हैव टू गो. एंड दैट्स वाई वो जो आपकी वर्डिंग्स थी वो कितनी सुंदर है. 10% ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. 90% is because of the wrong tone of voice. Raise the words, not the your voice. Why? Why? What does it mean, raise the words? Raise the words means श्रेष्ठ सुंदर बोल बोलो, powerful शब्द बोलो. आपको कुछ काम करवाना है किसी से, शब्दों को उठाओ. और शब्दों को उठाओ मतलब accurate, perfect, पावरफुल वर्ड. आपके दो शब्द, पॉजिटिव शब्दों को उठाओ, रेज द वर्ड.
जब रेज द वॉइस होगी, शब्द स्ट्रॉन्ग बोल दो लेकिन आवाज मत उठाओ, नहीं जब रेज वॉइस होती है, आवाज उठती है, तो शब्दों की वैल्यू जीरो, और शब्दों की क्वालिटी, हमारे मुख से कुछ भी निकल जाता है तब, दूसरे को तो बुरा लगता ही लगता है, हमें भी बुरा लगता है तब, क्योंकि जब एनर्जी टर्बुलेंट हो गई, मन गया आउट ऑफ कंट्रोल, वाणी भी गई आउट ऑफ कंट्रोल, तो फिर आवाज उठ गई, हमें लगा हमने ऊंची आवाज में बोलेंगे तो काम हो जाएगा, लेकिन आवाज उठी, एंड दैट्स व्हाई द सेकंड लाइन वाज सो ब्यूटीफुल कि बारिश से पौधा उगता है, थंडर से नहीं. मतलब आपको कुछ रचना रचनी है, कुछ काम करवाना है, क्रिएट करना है, तो उसको नरिश करना है, प्यार, पावर, शक्ति, पॉजिटिविटी से नरिश करो, चाहे अपने आसपास के लोगों को, परिवार को, काम के स्थान को भी. ये सारा रिसोर्ट है हजारों एकड़ में. मैं देखता हूँ बारीक बारीक स्प्रिंकलर्स लगाए हुए हैं, छोटे छोटे नरिशमेंट है, इतना नरिशमेंट दे रहे. अगर यही एकदम बड़ा कोई लाके एकदम पानी का एकदम, नॉट ओनली दैट, अगर यहाँ बड़ा तूफान आ जाए अभी, थंडर तो आ जाए, ये सारी सुंदर रचना उखड़ भी सकती है. तो थंडर क्या करता है और नरिशमेंट क्या करती है, वॉइस की टोन क्या करती है और वर्ड्स की पावर क्या करती है. हमें काम करवाना है ना, सुंदर पावरफुल वर्ड्स यूज करो, ऐसी पावर हो शब्दों में कि शब्द बोले और सामने वाला मना न कर पाए, मना कर ना पाए इसलिए नहीं क्योंकि मजबूरी है, मना करना ना चाहे क्योंकि बोल इतने सुंदर हैं, वो उस तरह से मना न कर पाए कि इतने सुंदर बोल बोले हैं, इतने प्यार से बोला है कि मैं मना ही नहीं कर सकता इनको अब, दैट इज रेज द वॉइस. So just take care of the tone. Jitna awaz, volume kam, volume matlab anger. Volume doesn't mean tone of the voice. It is the anger. Jitna wo kam hota jayega, man control mein aayega, to words bhi fir control mein aayenge. Kam bolkar, sundar bolkar, and more important, pyar ki energy se bole huye bol, to aapka garden bahut sundar banega. And isiliye jo humne last time dekha tha, samne wala garden bhi sundar banega. मटेरियलिस्टिक और जो प्यार और खुशी वाला गार्डन है वो भी बहुत सुंदर बनेगा, दोनों जगह काम अच्छा हो जाएगा. फिर ये होमवर्क लेकर मैं चलता हूँ, फिर अगले एपिसोड में मिलके बताता हूँ आपसे क्या हुआ रिजल्ट इसका. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. नमस्कार. ओम शांति. थैंक यू सो मच. 10% ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज ड्यू टू डिफरेंस इन ओपिनियन एंड 90% इज ड्यू टू रॉन्ग टोन of voice. Raise your words, not your voice. The first step to transformation is not to justify your negative emotion, but to take personal responsibility of having created it. When we justify our emotion, we blame others for it. We then expect them to change and do not find the need to change ourselves. To change any habit, we need to answer 3 questions. Why should I change? How do I change? And most important, do I want to change? Unless the want to change is there, the how to change will not get implemented. If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Rajyoga Meditation Center, write to us at Shine.